हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम देख रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 12। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, आप लोग इसको कवर करो, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने की गारंटी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर लेक्चर 12। क्या है बच्चों इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग हमको समझना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होगा समझना। देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमर, वन इज आपका पहला होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकेंड वन होगा स्टीरियो आइसोमर। अब बात समझते हैं कि हमारा आइसोमर क्या होता है। आइसोमर आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक में डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से लिखा रखा है, आप लोगों को ऑर्गेनिक में मैंने डेफिनेशन लिखा रखा है बच्चों, कि आप लोगों को क्या लिखा रखा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। आइसोमर भी क्या होता है, टू कंपाउंड्स विच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देन बोथ ऑफ आइसोमर टू ईच अदर, तब दोनों आपके आइसोमर होंगे एक दूसरे के, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा रखा है, वही डेफिनेशन यहाँ भी चलने वाली है, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर आपके दो होते हैं बच्चों, ये दो पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये भी आप लोग जानते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और ये भी आप लोग जानते हो, देखो बच्चों यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर क्या होगा और स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमको यहाँ क्या क्या पढ़ना है उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों को सबसे पहले डिफरेंट टाइप के आइसोमर पढ़ने। पहला होगा हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। दूसरा होगा हमारा हाइड्रेट आइसोमर, या फिर इसको सॉल्वेशन आइसोमर भी कहीं कहीं बोलते हैं, सॉल्वेशन आइसोमर में बोलेंगे, क्योंकि क्या क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन आइसोमर, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। थर्ड आप लोग यहाँ पढ़ने वाले बच्चों, यहाँ पर लिंकेज आइसोमर, क्या पढ़ने वाले हो, लिंकेज आइसोमर, थर्ड आप पढ़ने वाले हो लिंकेज आइसोमर, ठीक है। फोर्थ आप लोग पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट आइसोमर, ठीक है, कोऑर्डिनेट आइसोमर, या फिर इसको लिख लो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या लिख लेंगे बच्चों इसको, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, क्या लिखेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आपका हो रहा है बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमर, ये आपका पांच टाइप का हम लोग पढ़ने वाले इसमें। और स्टीरियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ये सब आप लोगों को आता है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड यहाँ पढ़ने वाले ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, दोनों में पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, बस सब्र रखिए, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आएगा, इसके लिए आप लोग विदाउट फियर आप लोग इसको पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर किसके, इसके बारे में, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में हमको क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले समझ लेना बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर को समझने का एक सिंपल तरीका है, स्ट्रक्चरल आइसोमर को समझने का एक सिंपल तरीका बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, विद डिफरेंट आईयूपीएसी नेम,
ठीक है, ये ध्यान रखना बस आप लोग, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला विद डिफरेंट, विद डिफरेंट IUPAC नेम। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल, एक एक करके सारे सारे टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमर। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा समझ लेते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर आपका होता है इट कैन बी डिफाइंड बाय, इट कैन बी डिफाइंड बाय, ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय, या फिर इट कैन बी डिफाइंड, या फिर इसको सॉल्व वो बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विच हैविंग, सिंपल लाइन में विच हैविंग, विच आर हैविंग, विच आर हैविंग सेम, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट, बट गिव्स, गिव्स डिफरेंट, डिफरेंट आयंस इन H2O। मतलब ये मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन पानी में दे, पानी में तोड़ते ही वो अलग अलग आयंस आपके देंगे। जैसे एज एग्जांपल में अगर बात करूँ तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बेटा ये सबसे इजी पॉइंट है, यहाँ का स्ट्रक्चरल आइसोमर इस चैप्टर का सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो बच्चों CO NH3, ठीक है, CO NH3 BRCl, CO NH3 5 BRCl, या फिर यहाँ पर ले लेता हूँ SO4 ले लेता हूँ, SO4 Cl। अब इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, तो वाटर में डिजोल्व करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों हमको? CO NH3 5 SO4 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर Cl माइनस। अब देखो इसी की तरह एक और ले लिया मैंने CO NH3 5 Cl SO4। अब देखो यहाँ पर भी कितने SO4 है, एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर NH3 पाँच है, यहाँ पर भी पाँच है, यहाँ पर CO5 है, यहाँ पर CO5 है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, बोथ आर हैविंग वॉट, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, दोनों के दोनों सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला को कैरी कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों? देख सकते हो आप लोग CO NH3 5 Cl यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा SO4 +2 और यहाँ आ जाएगा SO4 2-। तो ये पानी में देखो, पानी में यहाँ पर आप लोगों के डिफरेंट आयंस आपके दिए हैं ना इसने, जब इसने पानी में आपके डिफरेंट डिफरेंट आयंस दिए हैं, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या हो जाएगा आप लोगों का? आयोनाइजेशन आइसोमर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर। सेकेंड वन इज हाइड्रेटेड आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर, वॉट इज अ हाइड्रेट आइसोमर? हाइड्रेट आइसोमर आपका क्या होगा बच्चों? हाइड्रेट आइसोमर आप लोगों का क्या होगा बच्चों, उसको समझ लेते हैं। अब देखो हाइड्रेट आइसोमर आप लोगों का यहां पर क्या होगा देख लेते हैं बच्चों। देखो कंपाउंड्स देख लेते हैं यहां पर, वो बोल सकते हैं हम लोग यहां पर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, देखो कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो बच्चों? सेम हो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल
H2O molecule is present in coordination sphere, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर में अलग अलग आपके क्या प्रेजेंट हो बच्चों, मतलब अलग अलग H2O मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आइसोमर। अब यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हो बच्चों, पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया इसको बोलेंगे अमोनोलाइसिस आइसोमर भी बोल देते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू एच टू ओ हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमर। और जनरली हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सोलवोलाइसिस आइसोमर। क्या बोलते हैं जनरली, सोलवोलाइसिस आइसोमर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसी नाम से पूछा जाएगा, ये बात आप लोग है ना, पॉइंट को नोट डाउन कर लो अपने सिलेबस में, यही नाम से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों इसको कैसे डील करेंगे, देख लेते हैं किस तरीके से हमको इसको डीलिंग करना है, डीलिंग करने का तरीका समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको डील कैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पर काफी इजी कंसेप्ट है, डीलिंग करने का मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल्स देखो जी, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर एग्जाम्पल इसके, तो देख लेते हैं यहाँ पर CO H2O6 यहाँ पर Cl3। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CO H2O5 Cl2.H2O, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CO H2O4 Cl2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl और यहाँ पर 2H2, तो यहाँ पर तीनों आपस में जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर मतलब क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फेयर का मतलब ये वाले पार्ट में आपके क्या है बच्चों, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आपके डिफरेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आपका डिफर है। जब आपका नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिफर है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा आइसोमर है, हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको डील किया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं लिंकेज आइसोमर, हमारा थर्ड टाइप का आइसोमर है लिंकेज आइसोमर। अब देखो लिंकेज आइसोमर, ठीक है, अब यहां पर पॉइंट आपको समझना है, लिंकेज आइसोमर ठीक है, लिंकेज आइसोमर विल बी शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब व्हाट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या क्या होता है, ठीक है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ठीक है, देख लेते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, आज ही हम जान लेते हैं इसको, एम्बीडेंटेड लिगेंड जब आज ही पढ़ा है तो आज ही हम जान लेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंट आपके कौन कौन से होते हैं बच्चों, टाइप्स में भी इसको बताता तो आप लोगों को अभी तो कंफ्यूज होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंट आपके वो लिगेंट होते हैं, लिगेंट इन विच टू डोनर एटम्स आर प्रेजेंट बट इट कैन गिव ओनली वन लोन पेयर एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पर ये केवल और केवल कितने लोन पेयर देगा बच्चों आपके,
एक ही लोन पेयर देगा। इस टाइप का आइसोमर को क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड आइसोमर। और जहां आपको एम्बिडेंटेड आइसोमर दिख जाए इसका मतलब वहां पर कौन सा आइसोमर होगा, आपका लिंकेज आइसोमर। आई होप शो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एम्बिडेंटेड आइसोमर का मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को लिखा देता हूँ, ठीक है। एम्बिडेंटेड आइसोमर का आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड आइसोमर, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखाता हूँ। देखो जैसे जैसे एनओ टू में अगर आपका नाइट्रोजन ने दिया, ठीक है, नाइट्रोजन दे सकता है, इसको बोलेंगे नाइट्रो, ठीक है। लेकिन अगर इसने दिया ओ माइनस ने, तो यहां पर इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। यहां पर देखो कंपाउंड दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके एनओ टू है, दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चों, एनओ टू। दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चों, एनओ टू। दोनों के दोनों, दोनों के दोनों आपके एनओ टू है, लेकिन एक बार ऑक्सीजन दे रहा है, एक बार और नाइट्रोजन दे, तो दोनों सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही का हम लोग काउंट करेंगे, एक ही है, एक टाइम पर एक ही आपका लोन पेयर दिया जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बच्चों एससीएन, एससीएन और एक है एनसीएस, ठीक है। तो यहां पर भी आपका है तो सही एससीएन, लेकिन यहां पर देखो यहां पर डोनर एटम कौन है, यहां पर डोनर एटम है आपका एस, और यहां पर आपका डोनर एटम कौन है, यहां पर आपका डोनर एटम कौन है बच्चों, एन। यहां पर आपका डोनर एटम है एन, यहां पर डोनर एटम कौन था बच्चों, यहां पर आपका डोनर एटम है ऑक्सीजन, और यहां पर आपका डोनर एटम कौन सा है बच्चों, नाइट्रोजन। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, सी एन और एन सी, ठीक है, इसको बोलेंगे साइनाइड, साइनाइड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वो थायोसाइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, लिखा है हुआ नाम मैंने साइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। अब बात समझेंगे, यहां पर जो आपका डोनर एटम है वो कौन होगा, यहां पर जो आपका डोनर एटम होगा वो कौन होगा बच्चों, यहां पर डोनर एटम होगा कार्बन, और यहां पर भी आपका डोनर एटम कौन होगा, डोनर एटम यहां पर भी होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग डोनर एटम है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का सेम है। तो इस टाइप के लिगेंड की वजह से जो आइसोमर शो होगा बच्चों वो कौन सा होगा बच्चों, आप लोगों का लिंकेज आइसोमर। थोड़ा इसका एग्जाम्पल को हम सेट करके देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल समझेंगे तो फिर हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अच्छे से क्लियरली हम लोगों को समझ में आ सकता है ये। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल सी आर, सी आर एन एच थ्री, सी आर एन एच थ्री फाइव, सी आर एन एच थ्री फाइव एन ओ टू, ठीक है, एन ओ टू सी एल टू, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सी आर एन एच थ्री फाइव ओ एन ओ, ओ एन ओ सी एल टू, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं बोल दूं, यहां पर सी ओ एच टू ओ, सी ओ एच टू ओ थ्री एन सी एस थ्राइस, और एक और एग्जाम्पल बोल दो यहां पर सी ओ, सी ओ एच टू ओ थ्राइस एस सी एन थ्राइस, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बोल दिया बच्चों यहां पर। अब देखो यहां पर, यहाँ पर डोनर एटम कौन है, अगर NO2 लिखा है तो डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है, अगर ONO लिखा है तो डोनर एटम कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। यहाँ पर ऐसे लिखा है तो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ पर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब डोनर एटम कौन है, सल्फर। मतलब जो पहले आएगा वही आपका डोनर एटम होगा, समझ में आया, जो पहले आएगा वही आपका डोनर एटम होगा। तो इन दोनों में कहीं पर भी चेंजेस नहीं दिख रहे, एच टू ओ भी तीन है, यहाँ पर भी तीन है, तो हाइड्रेटेड आइसोमर होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी एन एच थ्री पाँच है, यहाँ पर भी एन एच थ्री पाँच है, तो सोलवोलाइसिस आइसोमर होने का चांसेस नहीं है। तो चांसेस हमारा किसका बचा, चांसेस हमारा ओनली ऑन यहाँ पर किसका बचा, एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से। और एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से कौन सा आइसोमर होता है बच्चों, आप लोगों का लिंकेज आइसोमर। आई होप सो कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा, ये दोनों आपस में क्या है, लिंकेज आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। और यहां पर भी ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको
डिफाइन किया है, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट आइसोमर। अगला देख लेते हैं हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट आइसोमर। अगला देख लेते हैं, अगला एग्जांपल कोऑर्डिनेट आइसोमर। तो कोऑर्डिनेट आइसोमर हमारा होता क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर को सीधा लिखता हूं, अकर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन एनायनिक एंड कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, समझो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब आप लोगों को मैंने अगर पार्ट पढ़ाया कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये सब तो मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को, तो अब टर्म्स को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एक सिंपल PTNH3 4 और यहां पर क्या ले सकते हैं बच्चों, निकल सी एल फोर। अब देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर समझते हैं। इस टाइप के कंपाउंड का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आप लोगों को बताया, बहुत अच्छे से बताया बच्चों। आई होप सो कि आपको पता होगा कि किस तरीके से निकालते हैं इस टाइप के कंपाउंड का। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड में बच्चों मैंने कुछ फिक्स्ड बताए थे, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट बताया था। पीटी का या तो +4 हो सकता है या तो आपका +2 हो सकता है, ये बात ध्यान रखो। चलो निकल का भी आपका +2 हो सकता है +4 हो सकता है, ये बात भी आप लोगों को मैंने बताया था, एक नोट डाल के लिखवाया था क्वेश्चन। आई होप कि अगर आपने कॉपी के क्वेश्चन कर लिए दैट इज अ मोर देन सफिशियंट। उससे ज्यादा आप लोगों का कहीं पर भी, चाहे वो एडवांस का हो चाहे वो मेंस का हो, नहीं पूछ सकता। पूरा चैप्टर अच्छे से मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया। आई होप सो कि आप कर रहे होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसको +1 और -1 में तोड़ा तो +1 में तोड़ा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, x, ठीक है, 4 0 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, +1। इसका +1 हो नहीं सकता, तो मैं इसको +1 और -1 में नहीं तोड़ सकता। तो इसको मैं किस में तोड़ूंगा बच्चों, समझते बात एक एक करके। इसको मैं तोड़ूंगा यहाँ पर PTNH3 4 +2 और -2 में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैंने +2 -2 में इसको +2 और इसको -2 रखा। अब यहाँ पर अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे तो +2 आ जाएगा और निकल का भी क्या आ जाएगा, +2। ये वाला आपका ओके है, ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पर आपका हो सकता है, ठीक है, ऐसा हम इसको तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली ये वाला तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया आप लोगों को, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें ऐसा होगा कि ध्यान से समझना, इसमें अब ये आइसोमर आपके चेंज होंगे, समझना। यहाँ पर PTNH3 4 निकल Cl4। अब देखो ये एग्जाम्पल में इसका एक और भाई बना सकते हैं हम लोग, जब PTNH3 3 Cl लिया है और यहां पर क्या लिया है, निकल Cl3 NH3 1। देखो एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन एनायनिक एंड कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन। अब बात समझेंगे, अगर मैंने इसको +1 कर दिया, इसको -1 किया, तोड़ो तो ये -1 है, -1 ये आपका +2 बन जाएगा। अपने आप चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकालो, इसका क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का +2, ठीक है, ओके, वेल एंड फाइन, यहां तक आपका हो सकता है। अगला अगर मैं बोलूं एग्जांपल, अगला PTNH3 2 Cl2 और यहां पर क्या होगा, निकल Cl2। एक्सचेंज आप लोगों को करते रहना है। अब अगर मैं इसको किस में तोड़ूं, अगर मैं इसको +1 और -1 में तोड़ूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों,
आपका प्लस थ्री, और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का प्लस वन। ये हो सकता है? नहीं, ये प्लस वन और माइनस वन में नहीं टूट सकता। आप एक और कोशिश कर लेते हैं, इसको प्लस टू और माइनस टू में तोड़ लेते हैं। देखो प्लस टू और माइनस टू में तोड़ने पर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस फोर, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर माइनस टू प्लस टू, ये आपका हो जाएगा जीरो, ये आपका हो जाएगा आपका जीरो। तो ऐसा तो आपका हो ही नहीं सकता, ऐसा आपका हो नहीं सकता। चलो बहुत बढ़िया, आप ये इस तरीके से, ठीक है। एक और अगर मैं बोल दूं यहां पर कि आप लोगों का इसमें आप लोगों का जीरो जीरो कर दोगे तो ये प्लस टू हो जाएगा, ये भी आपका प्लस टू हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा ये जीरो जीरो में अपन एक साथ थोड़ी ना एग्जिस्ट करेंगे, तो ये इसका आइसोमर का फॉर्म नहीं होगा, ये आइसोमर नहीं होगा इसका, ये इसका आइसोमर नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां पर एग्जिस्ट भी करने चाहिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से, ये वाला और निकल का प्लस फोर और प्लस टू वाला, ये वाला एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया पी टी एन एच थ्री सी एल थ्री, देखो ये तुरंत एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आप लोग तुरंत एग्जिस्ट कर रहा होगा बच्चों ये, ठीक है। इसको कर दो प्लस वन, इसको कर दो माइनस वन, प्लस वन करने पर इस पर आ जाएगा प्लस टू, माइनस वन करने पर इस पर आ जाएगा, इसको कर दो प्लस वन, इसको कर दो माइनस वन, देखो आपकी क्या आ जाएगा बच्चों आपका, देखो तुरंत आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस टू, ठीक है आ गया। चलो अगला एग्जाम्पल, एक और हम क्या कर सकते हैं बच्चे बेटा, पी टी सी एल फोर, और यहाँ पर कर सकते हैं एन आई एन एच थ्री। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इसको मैंने कर दिया टू टू नहीं, यहाँ माइनस टू और यहाँ प्लस टू, तो ये हो जाएगा प्लस टू, ये हो जाएगा आपका प्लस टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके कितने आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे, चार, ये जेई में पूछा गया अभी क्वेश्चन है। सो दैट्स वाई आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से हमको चार्ज बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना स्ट्रांगली जेई ने पूछा नहीं है, फिर भी आप लोग इसको इसी क्वेश्चंस को दो तीन बार कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसको एक और बार समझेंगे, इसको प्लस और माइनस में तोड़ेंगे। तो अगर ये आपका प्लस टू दिखा रहा है, देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको प्लस टू और माइनस टू में तोड़ा तो दोनों प्लस टू, यहाँ पर कोई सा भी कंडीशन बनाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस टू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका हो गया कितना जीरो, एक तो जीरो आ गया ना, तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा। तो यहां पर केवल और केवल आपके कितने दिखाएंगे, ये वाला बीच वाला नहीं दिखाएगा, चार आएगा हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टाइप का आपका आइसोमर है बच्चों, उसको समझ लेते हैं, फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक और टाइप के आइसोमर को हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक और टाइप के आइसोमर को। देखो अगला हमारा आइसोमर है बच्चों यहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, ठीक है। एक और टाइप का हमारा आइसोमर है, कौन सा है बच्चों यहां पर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। अब देखो ये किसकी तरफ से कैसे दिखाया जाता है समझ लेते हैं। शोन बाय अ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, शोन बाय पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, शोन बाय अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंट, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंट अराउंड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंट अराउंड अराउंड ब्रिज लिगेंट, मतलब ब्रिज लिगेंट वाला है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जनरल एग्जाम्पल जिससे आप लोग समझ जाओगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल NH3 4
NH3 4 CO Cl Cl, यहाँ पर हो जाएगा Cr Cl 4। ठीक है, इसका एक और भाई हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसको एक्सचेंज करते जाओ, NH3 thrice Cl 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 Cr NH 3 Cl 3। देखो अगली बार क्या करेंगे, और एक्सचेंज करते जाओ, एक्सचेंज बढ़ाते जाओ, NH 3 twice Cl2 CO Cl Cl Cr NH 3 twice Cl2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हम लोग इसका, यहां पर NH3 thrice Cl NH3 मतलब NH3 Cl3 सॉरी NH3 Cl3 CO Cl Cl Cr CO, यहां पर आ जाएगा NH3 thrice, यहां पर Cl। एक और कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर देख लेते हैं, एक और हो जाएगा आपका यहाँ पर Cl4 CO Cl Cr NH3 thrice 4। ये देखो क्या हुआ, केवल और केवल इन दोनों का बीच में एक्सचेंज हुआ। तो ये इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। आई होप दैट कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पहले हम लोग समझते हैं स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। तो लिख लेते हैं स्टीरियो आइसोमर, तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर लिख लेते हैं, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है बच्चों, डिपेंड अपॉन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम एटम विच स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंट विच इज सराउंडेड या फिर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मेटल विच इज सराउंडेड बाय लिगेंट। मतलब आपके सिंपल वर्ड बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस अरेंजमेंट, यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीगेंट इन स्पेस। स्पेस में हम अरेंजमेंट ऑफ लीगेंट को देखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लोगों का देखो यहां पर एक होगा बच्चों आप लोगों का ऑक्टाहाइड्रल शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, और एक कौन सा शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर। कौन सा शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर वाला, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। और स्क्वायर प्लेनर आपका कब बनेगा बच्चों, जब आपका क्या हो बच्चों, स्ट्रांग फील्ड लिगेंट हो, जब आपका क्या हो बच्चों यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंट हो, तो ये आपका बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में। ये बात ध्यान रखिए, पहले ये सब निकाल लिया करो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिखने वाला, नोट डाल के मैं यही लिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लेते हैं, नोट डाल के लिखा देता हूँ। नोट डाल के एक चीज लिख लीजिए, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसा क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब बात यहां से खुलती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन सेम एटम। आइसोमर अकर ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन सेम एटम। मतलब सेम एटम से, अगर सेम एटम के डिस्टेंस पे डिपेंड करे, अगर डिस्टेंस आपका सेम एटम का क्या हो,
क्या हो, लेस हो, इसका मतलब वो क्या होगा, सिस। मैंने आपको करवाया था ऑर्गेनिक में एल वन एल टू वाला, ऐसे करवाया था ना, ये एल वन ये एल टू, तो वही वाला कंसेप्ट है। डिस्टेंस अगर लेस होगा तो सिस, और अगर डिस्टेंस अगर आप लोगों का हाई होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ट्रांस हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का ट्रांस हो जाएगा। तो वो आप लोगों का कि क्या हो जाएगा, ट्रांस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मैं बनाता तो यहाँ लिगेंट, यहाँ लिगेंट, यहाँ लिगेंट, यहाँ लिगेंट, ठीक है। इसका लेंथ है आपका कितना, एक्स। इसका भी लेंथ आपका उतना ही होगा एक्स, ठीक है। इसका भी लेंथ आपका उतना ही होगा एक्स। इस मतलब सब जगह आपका लेंथ कितना है, सिमिलर है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आप लोगों का क्या है, ये तो छोड़ो लेंथ तो छोड़ो, ये वाला भी डिस्टेंस आपका सिमिलर है। सब जगह डिस्टेंस आपके क्या बच्चों, सिमिलर डिस्टेंस है। सब जगह आपके सिमिलर डिस्टेंस है, और सिमेट्रिकल और सिमिलर डिस्टेंस होने की वजह से दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आई होप दैट कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का तरीका हम बाद में सीखेंगे, पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेंगे, देन आफ्टर मैं इस लेक्चर को आपको कंटिन्यू करूंगा आगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से आपके शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता था, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे बच्चों, समझते हैं बात, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसके लिए ट्रिक लिखवा देता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक मैं लिखवा देता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब बात समझना, इसके लिए मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला कौन कौन से होंगे बच्चों, समझना, फिर मैंने नंबर भी निकालना बताऊंगा आप लोगों को, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्मूला। तो देख लेते हैं बच्चों, यहां पर ये हो जाएगा एम एक्स टू वाई टू, ठीक है, एम एक्स टू वाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जितना ज्यादा सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल मैंने लिखा दिया, तो मोस्ट सिमेट्रिकल आप लोग ध्यान रखो, ये ए बी टू और ये एम ए बी एक्स वाई, ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। अब इसमें जितना ज्यादा मैं डिसिमेट्री क्रिएट करूंगा, जितना ज्यादा मैं डिसिमेट्री क्रिएट करूंगा, उतना ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटी, उतना ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इसमें डिसिमेट्री क्रिएट करो, मतलब सबसे पहले एक्स टू वाई जेड, वाई दो है ना, दो वाई को हटा के दो अलग अलग बना लो, वाई और जेड, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, अब एक और डिसिमेट्री एक्स वाई जेड W, ये हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर डिसिमेट्री, यहां पर क्या कर सकते हैं, एम ए बी और दूसरा मान लेंगे सी डी। अब आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि सर ये एक्चुअली एम ए बी और सी डी है क्या, समझो एम ए बी और सी डी है क्या। अब देखो बात समझना, एक होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, बाइडेंटेड लिगेंट, और एक होता है बेटा आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, समझना ध्यान से, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों बात। एक होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, एक होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट आपका क्या होगा और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट आपका क्या होगा, उस चीज को समझना है आपको। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट, जैसे मैंने बात किया इथिलीन डायमिन, मतलब CH2NH2, मतलब दोनों पॉइंट में आपका नाइट्रोजन मतलब मेटल आयन को देगा। अगर मैं इसको हाफ पोर्शन से कट करूं,
इसको हाफ पोर्शन से कट करूं तो ये एक दूसरे का सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए ए टू टाइप का, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में दो लिखे तो मतलब बाइडेंटेड, अगर ब्रैकेट में तीन लिखेंगे तो वो क्या होगा, ट्राइडेंटेड। ठीक है, ब्रैकेट में तीन लिखेंगे तो ट्राइडेंटेड, ब्रैकेट में दो लिखेंगे तो बाइडेंटेड। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं एक एक करके, एक और यहां पर मैं लिखता हूं जी एल वाई ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो देखो क्या होता है बच्चों, ओ माइनस सी एच टू एन एच टू, यहां से ये अपना लोन पेयर देगा, यहां से ये अपना लोन पेयर देगा मेटल आयन को। अब इसको मैं दो दो अलग अलग डिवाइड कर दूं तो क्या ये सिमेट्रिकल कट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये आपका सिमेट्रिकल कट नहीं हो रहा, तो दो अलग अलग है ना, यहाँ पर डोनर एटम देखो, डोनर एटम दो अलग अलग है, तो इसलिए मैंने ए बी से दिखाया, यहाँ पर डोनर एटम सेम था इसलिए मैंने किससे दिखाया, ए ए, तो ए ए वाला सिमेट्रिकल होता है, ए बी वाला अनसिमेट्रिकल होता है। इसको ए बी लिखो या सी डी लिखो या ई एफ लिखो, बात एक ही है, लेकिन ए बी सी डी, ये बताने का मतलब ये कि ये ए बी अलग है, सी डी दूसरा वाला है, ए बी दूसरा वाला है, सी डी दूसरा वाला आपका बाइडेंटल लिगेंड है। आई होप दैट कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें हम काफी एग्जांपल को समझ सकते हैं, जैसे मैंने अगर बात किया यहां पर, जैसे यहां पर देखो यहां पर हम लोग इसको समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, वैसे मैं इसमें बता दूं कि आइसोमर कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल समझो, देखो यहाँ पर एम एक्स टू वाई टू, अब ये कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर वाला है, तो एम एक्स टू वाई टू कैसा बनेगा, ये एक x और यहाँ पर आपका x, यहाँ पर आपका y और यहाँ पर आपका एक्स एक्स और यहाँ पर आपका वाई वाई। अब ये क्या है आपस में, ये आपका आपस में क्या है बच्चों, सिस फॉर्म है, देखो पास में ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म होगा, तो इसका ट्रांस कौन सा होगा बच्चों, जल्दी बोलो, एम इसको घुमा देंगे, इसी एक को घुमा देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा वाई, यहाँ पर हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स, तो ये कौन सा फॉर्म आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो ये बात ध्यान रखो कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, इसके आपके दो आइसोमर पॉसिबल है, कितने आइसोमर पॉसिबल है, दो आइसोमर। अब इसी तरीके से इसका भी क्या होगा देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहां पर एम, ठीक है ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये यहां पर आपका ये यहां पर भी आपका एक्स हो गया, ये यहां पर वाई हो गया, ये यहां पर जेड हो गया। अब ये आपके दोनों पास पास है, दोनों आपके क्या है बच्चों, यहां पर पास पास है, तो यहां पर ये कौन सा हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, सिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। और इससे रिलेटेड यहां पर कौन सा फॉर्म आ जाएगा बच्चों, देखो यहां पर आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया z, तो ये कौन सा फॉर्म आपका हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ये आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका भी कितना होगा बच्चों, दो होगा। और इसका कितना होगा, इसका निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बता देता हूं बच्चों, में सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एम, यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इसका एक ये बनेगा, एक आपका बनेगा एम एक्स, यहाँ पर जेड ले आओ, यहाँ पर वाई ले आओ और यहाँ पर डब्ल्यू ले आओ। नेक्स्ट आपका कौन सा बनेगा बच्चों, एक्स एम, यहाँ पर डब्ल्यू ले आओ, यहाँ पर जेड ले आओ, यहाँ पर वाई ले आओ। तो ये आपके बन गए, ये आपके तीन आइसोमर बने। तो बनाए कैसे मैंने, समझना। अब देखो इन दोनों को फिक्स कर लो, दो पोजिशन को फिक्स करो, दो पोजिशन को फिक्स करो। ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो। देखो अब x2 y2 के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, x2 y2 के दो के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वैसे तो चार बॉन्ड है ना, चार बॉन्ड में इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, तो क्या क्या बन सकता है बच्चों, ये x हो, xx हो जाए या yy हो जाए, ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया।
देखो एक्स एक्स हो जाए, वाई वाई हो जाए, या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक्स वाई हो जाए या एक्स वाई हो जाए, एक्स वाई हो जाए, दोनों एक्स वाई हो जाए, ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने बच्चों यहाँ पर, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पर, बने आपके दो कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर बने आपके दो कॉम्बिनेशन। यहाँ पर समझते, ध्यान से समझना बच्चों, इसको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसका। देखो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर कौन सा वाला था, ये वाला था। अब एक्स टू वाई जेड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो ये एक तो बन जाएगा एक्स एक्स वाई जेड, एक कॉम्बिनेशन आपका कौन सा बनेगा, एक्स वाई ले लिया, एक एक्स जेड ले लिया। ये देखो टोटल दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पर आपके दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। बनाओ आप लोग कॉम्बिनेशन और मुझसे पूछो, इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे रिपीट हो रहे होंगे, जितने कॉम्बिनेशन बने उतने इसके आइसोमर है। इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखते एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इसका बनेगा एक एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, दो दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक्स जेड वाई डब्ल्यू, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक्स वाई के साथ हो गया, एक्स जेड के साथ हो गया, एक बार हो जाएगा एक्स डब्ल्यू वाई जेड। अब कोई भी कॉम्बिनेशन सोचो, मैंने जेड डब्ल्यू वाला देखा, जेड डब्ल्यू वाला कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गया वापस, मैंने सोचा कि वो वाई जेड बना लेते, वाई जेड वाला कॉम्बिनेशन मिल चुका है। तो टोटल आप कॉम्बिनेशन आपके रिपीट होंगे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पर, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने आपके, तीन बने। तो जी आई भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तीन हो जाएगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट कि आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए होंगे, ठीक है। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान है, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से हमारा चलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आई होप सो कि अब आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।